ये वो लोग यूज करते हैं जो एथलीट लोग होते हैं जो कंपटीशन खेलते हैं, उनका लास्ट टाइम जब चलता है कॉम्पीट करने का 1 महीने 2 महीने, तो वो लोग ये यूज करते हैं। तो अब बात करते हैं कि आपको कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए, आप कैसे डिसाइड करेंगे। Hey, what's up guys? This is Max Mohit. गाइज आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों को प्रोटीन को लेके बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि प्रोटीन में कुछ ऐसा केमिकल मिलाया हुआ है जिनसे उनके बॉडी को बहुत ज्यादा हार्म होने वाला है। कुछ लोग को ऐसा लगता है कि इसमें स्टेरॉइड डाला हुआ है जिससे कि उनको एक्ने हो जाएगा, किडनी प्रॉब्लम हो जाएगा, लीवर प्रॉब्लम हो जाएगा। कुछ लोग को ऐसा लगता है कि प्रोटीन में कुछ ऐसा इन्ग्रीडियंट्स डाला हुआ है जिससे कि चुटकी में बॉडी बन जाएगा, कुछ करना ही नहीं होता है, प्रोटीन की वो बॉडी बन गया। बहुत सारे लोग को पता है प्रोटीन के बारे में बट वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि उनको कौन सा प्रोटीन चाहिए। वो सप्लीमेंट स्टोर पे जाते हैं और बोलते हैं कि ये रहा मेरा बॉडी, आप मेरे बॉडी के मुताबिक एक अच्छा सा प्रोटीन दे दीजिए। तो यार आप वैसे करोगे तो शॉपकीपर को अगर इसमें ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है सपोज, तो आपको ये थमा देगा, अगर इसमें ज़्यादा बचत है तो आपको ये दे देगा, तो लॉस आपको होना है ना उनको। सो प्रोटीन के बारे में आपको खुद पता होना चाहिए कि आपको कौन सा प्रोटीन लेना है। और पर्सनली मैं बहुत सारे लोग से मिल चुका हूँ जो लोग प्रोटीन को देखते या फिर नाम सुनते उनको डर लग जाता है कि पता नहीं मैंने क्या चीज का नाम बोल दिया, या प्रोटीन देख लिया तो उनको डर लग जाता है कि अरे यार इसमें कुछ बहुत ही खराब केमिकल मिला हुआ है, बहुत खराब इंग्रेडिएंट्स है इसमें डाला हुआ। सो ये बहुत सारा मिथ्स है। सो आज हम इसके ऊपर पूरा डिटेल में बात करेंगे। सो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, अगर आप लोग लास्ट तक वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर 10 सेकंड 20 सेकंड देख रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एंड अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, प्लीज सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि कोई भी अपडेट मिस ना हो। सो अब बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। सबसे पहले कि लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, उनको किसी ने बोल दिया कि यार प्रोटीन में प्रोटीन खाने से ये हो जाएगा, किसी और ने बोला कि अरे ये डब्बा खा लिया तो तुम्हारा बॉडी बन जाएगा, किसी ने बोल दिया कि प्रोटीन खाओगे तुम्हारा लीवर खत्म हो जाएगा, किसी ने बोला कि अरे बैठे बैठे प्रोटीन पियो बॉडी बन जाता है, ऐसे करके बहुत सारे लोग बोलते जा रहे हैं और बात वो फैलते जा रहे हैं। बट मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपको पूरा पता होना चाहिए कि इससे क्या होता है, फुल जानकारी आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप उसको उस बात को एक्सेप्ट करें। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ तो मैं शॉक्ड हो जाता हूँ। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्मोकिंग करते हैं, आप लोगों ने भी देखा ही होगा, अब जो स्मोकिंग करते हैं उसके डब्बे के ऊपर साफ लिखा हो रहता है कि इससे कैंसर आपको हो सकता है, हेल्थ के लिए ये हार्मफुल है, साफ लिखा रहता है, फोटो डाला रहता है, जिससे कि मुझे डर लगता है यार। सो वो देखने के बाद भी वो पीते हैं। अब बताओ कि इस डब्बे में वैसा कुछ तो नहीं है, फिर भी लोग इससे डर रहे हैं। दूसरा चीज, जो गुटखा खाते हैं उसके ऊपर भी रहता है, फिर भी लोग खा रहे हैं। सो बहुत बड़ा मिथ्स है, बहुत बड़ा, आपको समझने की जरूरत है। जहां पर समझदारी दिखाना चाहिए वो लोग वहां पर समझदारी दिखाते नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन बनता कैसे है। सबसे पहले आपको अगर पता हो जाए कि ये बनता कैसे है तो आपके लिए समझना थोड़ा ज्यादा आसान हो जाए। प्रोटीन सिंपल गाय के दूध से बनाया जाता है। गाय के दूध को 70-80 डिग्री सेल्सियस पे पॉस्चराइज किया जाता है, उसके बाद उससे जो पनीर या फिर दही या फिर चीज बनाया जाता है, उसके बाद जो उसमें पानी जैसा बचा हुआ होता है, वेस्ट सॉल्वेंट जो उसको लोग फेंक देते हैं, तो वो जो सॉल्वेंट रहता है उसका बचा हुआ, वही वे प्रोटीन होता है। उसी को सुखा के पाउडर फॉर्म किया जाता है, उसके बाद उसमें कुछ फ्लेवर डाल के उसको मार्केट में बेचा जाता है, वही वे प्रोटीन है, सिंपल, और इसमें कुछ नहीं है। अब बहुत सारे लोग को ये भी कन्फ्यूजन है कि मार्केट में तो बहुत सारा वे प्रोटीन है। जी हाँ, वे प्रोटीन है मार्केट में बहुत सारा। तीन तरह का वे प्रोटीन होता है, ये भी मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि वे प्रोटीन तीन तरह का होता है। एक तो फर्स्ट फॉर्म हुआ कि दूध से डायरेक्ट, जैसे मैंने बताया कि उसको बॉयल किया जाता है 70-80 डिग्री सेल्सियस पे, उसके बाद जो दही पनीर चीज़ जो बनाया जाता है उसका जो सॉल्वेंट बचता है उसके बाद ऊपर में, उससे जो प्रोटीन बनता है वो प्रोटीन, वो आपका कॉन्सेंट्रेट, उसके बाद उसमें कुछ फिल्टर नहीं किया गया उसको, बस उससे जो निकला प्रोटीन, उसमें जितना फैट है, जितना लैक्टोज है, जितना प्रोटीन है, जितना कार्ब है, वो सारा चीज़ आपको उसमें मिल जाएगा, वो हुआ प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। तो तीन तरह का प्रोटीन होता है, कॉन्सेंट्रेट, आइसोलेट और हाइड्रोलाइज। जैसे ये प्रोटीन जो है ये हो गया आपका कॉन्सेंट्रेट, ये हो गया आपका आइसोलेट, ठीक है, और आपका ये प्रोटीन हो गया, ये प्रोटीन आपका हो गया
हाइड्रोलाइज। सो बहुत सारे लोग को पता नहीं होता कि उनको कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए। मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि आइसोलेट, कॉन्सेंट्रेट और हाइड्रोलाइज में क्या क्या अंतर है। तो सबसे पहला जो प्रोटीन का फॉर्म होता है वो होता है कॉन्सेंट्रेट। उसमें प्रोटीन होता है, कार्ब होता है, फैट होता है, लैक्टोज होता है। जो आपका वो सॉल्वेंट बचा था उससे जो पाउडर फॉर्म होकर बनता है वो हो गया कॉन्सेंट्रेट। फिर कॉन्सेंट्रेट को फिल्टर करके बनाया जाता है आइसोलेट, ठीक है। उसके बाद बन गया कॉन्सेंट्रेट को फिल्टर किए, बन गया ये आइसोलेट, ठीक है। आइसोलेट में जब कन्वर्ट करते हैं उससे थोड़ा थोड़ा कार्ब, फैट और शुगर को कम कर दिया जाता है। फिर आइसोलेट को फिल्टर किया जाता है हाइड्रोलाइज में। तो आइसोलेट को जब फिल्टर करेंगे तो वो बन जाएगा हाइड्रोलाइज प्रोटीन, ठीक है। अब हाइड्रोलाइज जब किए उससे पूरा कार्ब निकाल दिया जाता है, उससे पूरा लैक्टोज उसका निकाल दिया जाता है, उससे फैट कम जहां तक हो सकता है पूरा उससे कार्ब, फैट और लैक्टोज को कम कर दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ बचता है इसमें प्रोटीन, प्योर प्रोटीन। इसीलिए सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। ये वो लोग यूज करते हैं जो एथलीट लोग होते हैं, जो कॉम्पिटिशन खेलते हैं, उनका लास्ट टाइम जब चलता है कॉम्पीट करने का 1 महीने 2 महीने, तो वो लोग ये यूज करते हैं। तो अब बात करते हैं कि आपको कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए, आप कैसे डिसाइड करेंगे। देखिए, अगर आपको नॉर्मल रिकवरी के लिए चाहिए तो आपको कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन लेना चाहिए, जो फर्स्ट फॉर्म होता है प्रोटीन का, कॉन्सेंट्रेट। और अगर आपके पास थोड़ा बजट है तो आप आइसोलेट, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप आइसोलेट लें। अगर आप थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं ज़्यादा तो आप आइसोलेट ले सकते हैं, आइसोलेट बेस्ट है। और उससे भी ज़्यादा अगर आप पैसा लगाने के लिए तैयार हैं तो सबसे बेस्ट फॉर्म तो प्रोटीन का हाइड्रोलाइज ही होता है। बट अगर मार्केट में देखिएगा ज़्यादा कौन सा प्रोटीन चलता है तो वो चलता है आइसोलेट। ज़्यादा सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोटीन आइसोलेट ही होता है। हाइड्रोलाइज थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, इससे जस्ट आपको डबल पड़ जाएगा, मतलब कॉन्सेंट्रेट से डबल हो जाता है आइसोलेट का प्राइस। अलग अलग ब्रांड से वेरी भी करता है, बट बहुत ज़्यादा ये बट एक्सपेंसिव होता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप आइसोलेट लें। अगर आपके पास उतना आपका बजट नहीं है तो आप कॉन्सेंट्रेट ले सकते हैं, बट हाइड्रोलाइज आप अगर कॉम्पीट करने वाले हैं तभी लें, अदरवाइज रहने दें। आपके लिए आइसोलेट सबसे बेस्ट है। और जो लोग के पास बजट ही नहीं है प्रोटीन खरीदने के लिए, वो लोग भी निराश ना हो। सबसे बेस्ट सोर्स है प्रोटीन का एक वाइट्स, इससे अच्छा सोर्स कोई है ही नहीं। सबसे बेस्ट और चीपेस्ट सोर्स है प्रोटीन का एग वाइट्स। तो आप एग वाइट्स लें, मैं भी ज़्यादा एग वाइट्स लेता हूँ, क्योंकि सप्लीमेंट सिर्फ रहने से आपकी बॉडी नहीं बन सकती है। आपका जो घर का खाना है वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर आपका डाइट सही है तभी ये काम करता है। अगर आपका डाइट खराब है तो ये काम नहीं करेगा, आपका सारा वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा। सो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप एग वाइट्स ही लें। अगर आपके पास बजट है तभी आप ये सब ले सकते हैं, बट आपका डाइट सही होना चाहिए तभी आप ये लें। अगर आपका डाइट सही नहीं है तो वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा। तो गाइज, ये थी आज की वीडियो प्रोटीन के ऊपर। आई होप मैं आप लोग को अच्छी तरह समझा पाया। तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे अभी भी हैं जिन प्रोटीन के बारे में अच्छी तरह से पता नहीं, तो उनको वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, प्लीज सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि कोई भी अपडेट मिस ना हो। ओके गाइज, टेक केयर।